आप सभी को मेरी राम राम। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदू माइथोलॉजी का सबसे पवित्र ग्रंथ है। सुंदरकांड रामचरितमानस का पांचवा सोपान है। यह रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ अंश है। इसमें श्री राम सुंदर, सीता सुंदर, कथा सुंदर और सबसे ऊपर हनुमान जी की भक्ति सुंदर। सुंदरकांड है श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हनुमान और उनके गुणगान का। इसे अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसे आज के युग में समय निकालकर पढ़ना और समझना थोड़ा कठिन हो गया है। हमारी यह कोशिश है कि हम इसकी कथा को इजी एंड इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत करें, जो हर एज ग्रुप को समझ भी आए और सब इसका आनंद उठा सकें। People in all age groups will enjoy this musical poetic version of Sundarkand की कथा। इस कथा में total 30 parts हैं। हर दिन आपको एक नया episode मिलेगा और इस तरह 30 दिनों में रोज सिर्फ एक मिनट देखकर पूरी कथा का आनंद ले सकेंगे। इसमें music है, graphics है, आसान language है और जो हिंदी नहीं पढ़ पाते उनके लिए English है। हर एपिसोड की पूरी डिटेल्स इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मन में रमाओ सिया राम का ध्यान, नित करो सब उनका गुणगान। सुनो ये सुंदर कथा राम की, संग है अपने हनुमान जी। रोज एक मिनट 30 दिन गाए, कथा हो पूरी सुंदर कांड। जब रावण सीता को हर ले गया, श्री राम अनुज लखन के साथ माता को ढूंढते हुए किष्किंधा पर्वत पहुंच चुके थे। वहां सुग्रीव अपनी वानर सेना सहित प्रभु की सहायता का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपनी सेना की टुकड़ियां चारों दिशाओं में भेजी। दक्षिण में जामवंत और हनुमान जी को भेजा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई, जो वह बचपन में एक ऋषि के श्राप के कारण भूल गए थे। यहीं से प्रारंभ होती है सुंदरकांड की कथा। हमारा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ें और कथा का आनंद उठाएं। बोलिए जय श्री राम।